नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है वो भी इसे आसानी से बना सकता है। छोटी छोटी बूटी का ये बारीक डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, कैप में, हैट में, सॉक्स में, शूज में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई करेंगे, सब में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हम 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। इस डिजाइन को मैं 2 तरीके से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। मैं डिजाइन इसी के ऊपर बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझें। लाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और इसे हम घुमा के वापस दूसरी तरफ ला देंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे। ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में चढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2। उनको अपनी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को बाईं सिलाई में चढ़ा लेंगे। उनको दूसरी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में चढ़ाएंगे और नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह करने से हमारा ऊन जो है इन दोनों फंदों के चारों तरफ लिपट जा रहा है। देखिए ये घूम के चारों तरफ ये लिपट जा रहा है। 2 फंदा हम सीधा बुन रहे हैं, ऊन को इन दोनों फंदों के चारों तरफ ऐसे हम घुमा ले रहे हैं। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो दो फंदा हमें बुनते जाना है और उनको इन दोनों फंदों के चारों तरफ घुमा लेना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहला लाइन कंप्लीट कर लिया, दो दो फंदों को लेकर, और दोनों फंदों के चारों तरफ हमें धागे को घुमाना है और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम सामने की तरफ हैं और ये डिजाइन का 3रा लाइन है। तो अब की हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, पहला स्लिप किया, अगला 2 फंदा सीधा बुना और फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों को हम बाईं सिलाई में लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और फिर दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में। यानी देखिए, जो हमने 2 फंदे लिए थे तो अगली लाइन में दोनों डिजाइन में से 1-1 फंदा लेंगे। ये देखिए, इस डिजाइन का ये 2रा फंदा है और दूसरे डिजाइन का ये 1रा फंदा। तो इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर इन दोनों फंदों के चारों तरफ हम ऊन को लपेट लेंगे। अब इसी डिजाइन को हम मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हम जैसे एक जाली बनाते हैं, देखिए ऐसे हम जाली बनाते हैं, तो वैसे ही हम कर लेंगे, एक लूप बनाएंगे और दूसरे सिरे को जो ये खींचता है उस सिरे को हम अपनी तरफ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ये मैंने लूप बनाया और खींचने वाला सिरा, देखिए ये हमारा मेरी तरफ है, खींचने वाला सिरा हमारी तरफ होगा और जो बुनने वाला सिरा है वो दूसरी तरफ होगा। अब 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। अब इस धागे को वापस अपनी तरफ कर लेंगे और इसे खींच देंगे। तो देखिए ये धागा चारों तरफ लिपट जाएगा। अब फिर वापस हम इसको ऐसे करेंगे, लूप लेंगे, देखिए ये सिरा हमारा दूसरी तरफ है और खींचने वाला सिरा देखिए ये हमारी तरफ है और ये धागा इस तरफ है। अब हम 2 फंदा
सीधा बुनेंगे, इसको अपनी तरफ कर लेंगे और धागे को खींच देंगे। देखिए हमारा ये धागा चारों तरफ लिपट गया। अब हमें इन दोनों फंदों को बाएं सिलाई से वापस दाहिनी सिलाई में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर हम लूप लेंगे, इसको ऐसे चढ़ा देंगे तो फंदा सीधा बुनेंगे, इसको अपनी तरफ कर लेंगे और धागे को खींच देंगे। फिर से देखिए देखिए ये हमने ऐसे एक लूप बनाया और इसके ऊपर ऐसे चढ़ाया। हमारा ये धागा इसी तरफ ही है और ये देखिए खींचने पर ये नहीं खींचता है, इससे हम दो फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इस सिरे को वापस हम अपनी तरफ कर लेंगे और धागे को खींच लेंगे। इस तरह बुनने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है और दोनों तरह से बनाने पे डिज़ाइन एक ही तरह बनता है। और लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पांचवी लाइन में फिर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे और इसके चारों तरफ घुमा लेंगे। यानी देखिए अब की डिज़ाइन इन दो फंदों पे बनेगा, यानी दो डिज़ाइन के बीच में अगला डिज़ाइन दो डिज़ाइन के बीच में पड़ेगा, तो इस तरह ये तिरछा बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। बनाने में आसान और बनने के बाद कितना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।